गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के जितने भी जल विद्युत जो हमारी परियोजना है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है पिछले कल वाली जो क्लास में हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स, वो हमने हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य और जो लोक गीत थे वो डिस्कस किए थे। अभी तक जो है हमारा जितना भी जो GHP GK का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम कम्प्लीट हो चुका है। एक दो टॉपिक हमारे बचते हैं, उसके बाद जो है हमारा HP GK का जो है पूरा सिलेबस जो है कम्प्लीट हो जाएगा। और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो जितने भी जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट की क्या क्षमता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट पड़ता है, किस नदी के ऊपर ये जो है जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश जो है पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि जो है 25% जो है मतलब जल विद्युत जो परियोजना है जल विद्युत का जो है उत्पादन करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में है। 5 बारहमासी नदी घाटियां विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य में लगभग जो है 27,436 मेगावाट पन बिजली पैदा हो सकती है। इसमें जो है मध्य प्रदेश में जो टोटल जो बिजली हमारी पैदा हो सकती है उसकी जो कुल जो कैपेबिलिटी है वो 27,426 मेगावाट की जो बिजली उत्पादन है वो हिमाचल प्रदेश कर सकता है। राज्य की कुल पन बिजली क्षमता में से 10,519 मेगावाट का दोहन अभी तक किया जा रहा है, जिसमें से केवल 7.6% हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, जबकि शेष जो है वो राज्य जो हमारी जो केंद्र सरकार है उसके नियंत्रण में है। क्वेश्चन भी बनता है कि हमारा क्वेश्चन इसमें पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो अंडर है जल परियोजना का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो वो है हमारे पास 7.6% है और जो बाकी है वो हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजना है पनबिजली परियोजना है उसमें कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, तो वो है टोटल जो है हमारे पास 7.6% जो है हिमाचल सरकार के अंडर में है, बाकी जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे जितनी भी हमारी जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है उनके बारे में जो है हम सारी जो है डिस्कस करने वाले हैं। जल विद्युत योजना आपको पता ही है कि जिससे जो पानी के थ्रू जो हमारी बिजली बनती है उन परियोजना को जो जल विद्युत योजना बोला जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है कितनी जो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत योजना है और कितनी भी बन रही है उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सबसे पहले जो फेमस जो जल विद्युत योजना परियोजना का नाम है संजय विद्युत परियोजना या इसको हम भाभा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऑप्शन भी बनता है कि संजय विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है, या कई बार ऑप्शन से पूछा जाता है कि भाभा जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो हमारी परियोजना है ये हमारी कन्नौज जिले में स्थित है और ये किस नदी के ऊपर बनी है, बसपा जो सतलुज नदी की जो सहायक नदी है बसपा उसके ऊपर बनी हुई है। इस जो जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है हमारी भाभा या संजय जल विद्युत योजना की जो क्षमता है वो 120 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, इससे अपने कई बार राय होता है कि संजय गांधी जो संजय विद्युत परियोजना जो है कौन सी नदी पे बनी है, इसका नाम आएगा सतलुज नदी या बसपा नदी। ठीक है, तो सतलुज नदी के ऊपर ये परियोजना है। हम कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि इस परियोजना की क्षमता कितनी है, इस परियोजना की क्षमता है वो 120 मेगावाट है। अगली हम जो हमारी इसमें परियोजना है उसके बारे में हम करेंगे। जो अगली हमारे पास परियोजना है बसपा विद्युत परियोजना, ये भी कन्नौज जिला से है। बसपा विद्युत परियोजना है ये भी कन्नौज जिला की परियोजना है और ये बसपा नदी के ऊपर ही बनी हुई है और इसकी जो क्षमता है वो हमारी 400 मेगावाट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम होगा चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाओं से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो जो हमारी ये जो बसपा जल विद्युत योजना है ये कन्नौज जिला में स्थित है और बसपा यानी सतलुज नदी के ऊपर ही बनी हुई है। इसकी जो कुल क्षमता है जो इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो है हमारी 400 मेगावाट। इस तरह सबसे बड़ी और सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो है हमारी नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी में जो जल विद्युत योजना है वो सबसे बड़ी परियोजना है हमारी, जिसको हम ये जो है FJBM के अंडर में है, SJBN के अंडर में है। ठीक है, नाथपा झाकड़ी जो हमारी ये परियोजना है, ये जो हमारी है किन्नौर से मिला दोनों जिलों में है ये। ठीक है, और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। इसकी जो सबसे ज्यादा जो जल विद्युत की जो परियोजना की क्षमता है वो हमारे नाथपा झाकड़ी की है और इसकी जो कुल जो जल विद्युत योजना की जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट।
तो ये सबसे जरूरी है यहाँ पे, एक बार नाफ्ता लाकड़ी के बारे में और एक फंजे गांधी, इसमें कई बार इसका नदी का नाम पूछा जाता है या इसके में इनकी क्षमता पूछी जाती है। ठीक है, अगली जो हमारी इसमें जल विद्युत योजना है वो है हमारी खाब परियोजना। अगली है जो इसका जिसका नाम है वो खाब परियोजना। खाब जो हमारी जल विद्युत योजना है, ये भी किन्नौर जिला में है और सतलुज नदी के ऊपर बनी है। इसकी जो टोटल जो प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो है 1020 मेगावाट की जो है ये बिजली जो है उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसमें जो अगली जो परियोजना उसका नाम है कड़छम बागतू परियोजना। कड़छम बागतू परियोजना ये भी हमारी किन्नौर जिला से इसका संबंध है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट की क्षमता की जो है बिजली उत्पन्न करती है। इस तरह हमारे पास अगली है जिसका नाम है जांगी थोपन जल विद्युत योजना। ये भी किन्नौर जिला में है, इस सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और इसकी क्षमता है 960 मेगावाट की क्षमता है। इस तरह हमारी अगली जो है सातवें नंबर पर है चांगो यंग यांग परियोजना। ये भी किन्नौर जिला में है, छोटी परियोजना है, इसकी जो कुल क्षमता है वो 140 मेगावाट की है और सतलुज नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। इसके बाद जो हमारी अगली जल विद्युत योजना है उसका जो नाम जो है परियोजना है उसका नाम है रुकती जल विद्युत योजना। रुकती जल विद्युत योजना भी किन्नौर जिला में बनी हुई है, छोटी जल विद्युत योजना लोकल लेवल की है, 1.5 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इस तरह हमारे पास है सोंग टोंग कड़छम जल विद्युत योजना। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि सोंग टोंग कड़छम परियोजना जो है कौन से जिले में स्थित है, कौन सी नदी में स्थित है, इसकी टोटल जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो जो हमारी सोंग टोंग कड़छम परियोजना है ये हमारे किन्नौर जिला में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 402 मेगावाट की क्षमता की जो है जल बिजली जो है उत्पन्न करती है। इस तरह हमारे पास है रोंग टोंग जल योजना। ये जो रोंग टोंग जल योजना है लाहौल स्पीति का संबंध है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, रोंग टोंग नाला स्थित है और स्पीति नदी के ऊपर जो है परियोजना हमारी स्थित है। ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटी है हमारी वो 2.0 मेगावाट, छोटी जल योजना है, लोकल लेवल की है। इसके बाद हमारी जो है अगली है थिरोट जल विद्युत योजना। ये भी लाहौल स्पीति जिला में है और चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 4.5 मेगावाट। ठीक है, इस तरह हमारी अगली है छतरु जल विद्युत योजना। इसके भी लाहौल स्पीति जिला में है और चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 108 मेगावाट की क्षमता की जो है बिजली उत्पन्न करती है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगली हमारे पास आंध्रा जल विद्युत योजना। ये शिमला जिला में है और तहसील रोहड़ू में स्थित है। ठीक है, शिमला जिला में है, रोहड़ू में स्थित है और आंध्रा नदी के ऊपर आंध्रा खड़ में बनी है जो कि पंबर नदी की जो सहायक नदी है। जब हमने नदियां डिस्कस की थी तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये जो आंध्रा खड है पंबर नदी की सहायक नदी है और इसकी टोटल क्षमता है, इस जल विद्युत योजना की क्षमता है वो 16.95 मेगावाट की क्षमता की जो है बिजली उत्पन्न करती है। इस तरह हमारे पास अग्री है, मोस्ट फेमस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी रामपुर जल विद्युत योजना। ये भी शिमला जिला में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, 412 मेगावाट की इसकी जो है बिजली पैदा करने की क्षमता है। ठीक है, अगला आती है हमारे 15 नंबर जो है धमबाटी फुदा परियोजना भी शिमला में स्थित है और नदी के बारे में पूछे, नदी का नाम है पंबर या कई बार ऑप्शन यमुना भी होता है, तो दोनों एक ही जगह एक ही चीज है, पंबर यमुना पे स्थित है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 70 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है हमारी। ठीक है, अगला है हमारे पास घानवी जल विद्युत योजना जो हमारी ये भी शिमला जिला में स्थित है, छोटी योजना और घानवी नदी के ऊपर है जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है और 22.5 मेगावाट की इसकी जो है बिजली पैदा करने की क्षमता है। इन सब जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें से ये पूछा था कि ये जल विद्युत योजना कौन से जिले में स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर है या इसकी जो मेगावाट पूछी जाती है कितनी मेगावाट की जो बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, मैक्सिमम जो जगह पे यही कुछ क्वेश्चन आता है, सबसे जरूरी है हमारे पास अगली। ठीक है, और ये पार्वती जल विद्युत योजना सबसे जरूरी है और इससे क्वेश्चन बनता है, कुल्लू जिला में स्थित है, पार्वती और ब्यास नदी दोनों पे स्थित है ये। ठीक है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 2051 मेगावाट, इसको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी कैपेसिटी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में पार्वती के बारे में, नदी के पार्वती नदी के ऊपर पार्वती ब्यास पर पार्वती जो ब्यास नदी की सहायक नदी आपको पता ही है। ठीक है, तो इस पे है और इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी 2051 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह हमारे पास अगली सियांग जल विद्युत परियोजना। सियांग जो जल विद्युत परियोजना है एनटीपीसी के अंडर है। ठीक है,
उल्लू जिला स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर ये बनी हुई है। इसकी टोटल कैपेसिटी है वो आपकी 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। अब आती है हमारे पास लारजी, इसके बारे में बहुत सारे लोग अपने पूछते हैं, इसकी कैपेसिटी के बारे में पूछ लेते हैं, इसकी नदी के बारे में पूछते हैं, इसके जिले के बारे में पूछते हैं। जो लारजी हमारी जल विद्युत परियोजना है कुल्लू जिला में स्थित है, ठीक है, और ब्यास नदी के ऊपर ये बनी हुई है। इसकी टोटल कैपेसिटी है वो 126 मेगावाट की जो है बिजली उत्पन्न करती है। अगली हमारे पास है इस तरह एलायन दुहांगन, एलायन दुहांगन परियोजना जो है कुल्लू जिला में है, ब्यास नदी के ऊपर है, 192 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है, बिजली पैदा करने की इसकी क्षमता है, 192 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। ये हमारी मलियाना मलाना जल विद्युत योजना कुल्लू जिला में स्थित है, मलाना मलाना पार्वती ब्यास नदी के ऊपर बनी है, जगह का नाम आएगा जिस प्लेस में है उस प्लेस का नाम मलाना और नदी का नाम आएगा पार्वती ब्यास के ऊपर बनी हुई है। 86 मेगावाट की जो है जल विद्युत योजना है और ये बहुत चर्चा में जल विद्युत योजना रही थी। जब हमारा जो फ्लड आया था कुल्लू और मंडी में, जब फ्लड आया था तो जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की टोटल जो बिजली की जो सोर्सेज थे वो खत्म हो गए, तो इस परियोजना बड़ी चर्चा में रही थी क्योंकि इस परियोजना से था उस टाइम बिजली देने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे थे। तो ये बहुत अभी जो हार्डली कोई एग्जाम आ सकता है आएगा तो उसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो परियोजना है बहुत मतलब चर्चा में रही थी, बट क्या होता है एट लास्ट पे इनको इन्होंने था इस परियोजना पे था बिजली नहीं दी थी क्योंकि ड्यू टू जो डिस्ट्रीब्यूशन था उनका उसके कारण जो था मतलब लेना टफ टफ हो रहा था, ठीक है। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है हमारी वो है 86 मेगावाट की जो है ये क्षमता की बिजली पैदा करती है। अब दो परियोजना है हमारे पास, चमेरा एक चमेरा दो, ठीक है, दोनों जो परियोजना है हमारी चंबा जिला में स्थित है, रावी नदी के ऊपर बनी है, बट इनकी क्या है इनकी कई बार कैपेसिटी पूछ लेते हैं, चमेरा एक की और चमेरा दो की कैपेसिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसकी जो चमेरा एक की जो कैपेसिटी है वो हमारी 540 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है और जो चमेरा टू है हमारी ये करती है 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। दोनों जो है एनटीपीसी के अंदर है, ठीक है, ये दोनों जो प्रोजेक्ट है हमारे ये एनएचपीसी के अंदर है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी एनएचपीसी के अंदर है, ठीक है। अगला हमारे पास बैरासियूर योजना, इसके बारे में बहुत एग्जाम क्वेश्चन है कि बैरासियूर योजना जो है चंबा जिला के कौन से स्थान पर स्थित है, ठीक है, चंबा जिला में स्थित है और स्थान का नाम पूछा है भरमौर में स्थित है और उसकी जो पूछा है कि कौन सी नदी पे है, तो ये सियूर नदी पे सियूर बैठा पे स्थित है, मतलब रावी नदी जो सहायक नदी सियूर है उस पर स्थित है। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 198 मेगावाट की कैपेबिलिटी इसकी है। कई बार सिंपल ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो ऑप्शन में रावी का नाम भी दिया था तो आप रावी भी इसको चूज कर सकते हैं या सियूर बैठा जो होगा सियूर बैठा चूज करना है, अगर रावी दिया तो रावी आपको चूज करना है, अगर प्लेस का नाम पूछे तो प्लेस का नाम आएगा भरमौर में स्थित है, जिले का नाम आएगा चंबा, बहुत इंपोर्टेंट है बैरासियूर, इससे वो अपने भी एग्जाम में आए हैं। अगली जो हमारी इसमें जल विद्युत परियोजना है वो है होली जल विद्युत परियोजना, होली जल विद्युत जो परियोजना हमारी चंबा जिला में स्थित है, रावी नदी के ऊपर छोटी जल विद्युत परियोजना है, 3.0 मेगावाट की इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगली है वो है हिब्रा, हिब्रा जल विद्युत योजना जो हमारी भरमौर में है, चंबा जिला में स्थित है, प्लेस का नाम आएगा भरमौर, रावी नदी के ऊपर बनी है, 260 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक है। जो अगली हमारी जल विद्युत योजना उसका नाम है सेली जल विद्युत योजना, ये भी भरमौर में स्थित है, चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, इसकी जो कैपेबिलिटी है आपकी 454 मेगावाट की बिजली की क्षमता किसकी बैठती है। इस तरह हमारे पास अगली है रोयली जल विद्युत योजना, ये भी भरमौर में है, चंबा जिला में स्थित है, चिनाब नदी के ऊपर बनी है, 500 मेगावाट की जल विद्युत योजना है। इस तरह जो हमारी अगली परियोजना का नाम है मछेत्री, एक ऑफिस को अपने आ सकता है लोकल में नया है मछेत्री, बहुत लोगों ने बहुत पहली बार इसका नाम सुना होगा, मछेत्री जल विद्युत योजना, ये भी भरमौर में है, चंबा जिला में स्थित है, रावी नदी के ऊपर है और 100 मेगावाट की ये जल विद्युत योजना है। इस तरह हमारे पास अगली है इसका नाम है कुठेर जल विद्युत योजना, ये भरमौर में स्थित है और रावी नदी पे है और इसकी जो टोटल जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो 260 मेगावाट की ये परियोजना है। अब आती है गज जल विद्युत योजना के बारे में, इसकी ये जो है गज जल विद्युत योजना जो भाई कांगड़ा जिला में स्थित है और गज या ब्यास नदी के ऊपर स्थित है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है दो छोटी परियोजना है जो लोकल लेवल पे है जो प्रोडक्शन करती है उसका ये है 10.5 मेगावाट की है। पोंग डैम पोंग बांध ये भी जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनता है बहुत बार के बारे में पूछ लेते हैं या मैं पूछ रहे हैं कौन सी नदी के ऊपर बनी है। जो ये पोंग बांध जो जल विद्युत योजना है, पोंग जो जल विद्युत योजना है कांगड़ा जिला में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, इसकी टोटल कैपेसिटी है 360 मेगावाट है, कितनी है इसकी 360 मेगावाट है, इसकी कैपेसिटी वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। बिनवा बिनवा जल विद्युत योजना जो है हमारी
कांगड़ा जिला में स्थित है। अगर जगह का नाम पूछे प्लेस पर, बैजनाथ में है, बैजनाथ में स्थित है, कांगड़ा जिला के बैजनाथ में स्थित है। और बाणखड़ के ऊपर बनी हुई है, जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है, बाणखड़ के ऊपर बनी हुई है। अगर सहायक नदी बाणखड़ का नाम तो बाणखड़ चूज करना है, अगर नदी पूछा जाए तो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। टोटल इसकी कैपेसिटी है 6.0 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, इस तरह अगला है बनेर। बनेर कांगड़ा जिला में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, 12 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस तरह अगली है बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना। बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमारे कांगड़ा जिला में स्थित है, राप नदी के ऊपर बनी है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 मेगावाट की कैपेसिटी के ऊपर है। और अगली आती है हमारी सबसे फेमस, सबसे जरूरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह सानर पावर परियोजना, सानन पावर परियोजना जब मंडी में स्थित, जिला मंडी आएगा, गंगानगर में स्थित है, ब्यास नदी पे है, और मतलब ऊल नदी के ऊपर बनी है वैसे, बट ये जो ब्यास की सहायक नदी है उसमें ब्यास नदी का नाम ही आता है। और 110 मेगावाट की एक क्षमता है। ये जो परियोजना है अभी ये पंजाब के अंडर में है। ठीक है, ये जो परियोजना है पंजाब के अंडर में है, कुछ शेयर हिमाचल गवर्नमेंट का है, बट क्या है, इसकी जो लीज है खत्म हो चुकी है। हिमाचल गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है कि इस परियोजना को जो है हमें वापिस किया जाए। सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, तो हिमाचल गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है कि ये परियोजना जो है हिमाचल को वापस कर दी जाए, क्योंकि इसकी जो लीज वगैरह है वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछाता है, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम है सानर पावर परियोजना। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 110 मेगावाट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम में। अगली हमारी बस्सी जल विद्युत परियोजना जो है हमारी, वो है इसकी जो कैपेसिटी है, ये जो है मंडी जिला में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर है, 5 मेगावाट की परियोजना है। ओवल टू इसका भी काम चल रहा है, 5 कम्प्लीट हो चुकी है। फाइव ये ओवल टू जो मंडी में है, ब्यास नदी में स्थित है, 70 मेगावाट की परियोजना है। अगली आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी, ये है कोल बांध, कोल डैम, बिलासपुर में जिले का नाम आएगा, बिलासपुर जिले में स्थित है, और नदी का नाम आएगा फतलू नदी के ऊपर है, और इसकी कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी है। ठीक है, 800 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी है। ठीक है, अगला आएगा हमारा भाखड़ा बांध है, ये जो सबको बताया सबसे बड़ी सबसे पुरानी है, नंगल में स्थित है, फतलू नदी पे है, और 1325 की मेगावाट की क्षमता है इसकी। ठीक है, 1325 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अगर आता हमारा गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना जो हमारी है, सिरमौर जिला में स्थित है, यमुना नदी के ऊपर है, 201 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है हमारी। ठीक है, अगला आती है हमारे पास इसमें ना, ये जो अगली जो हमारी रेणुका जल विद्युत परियोजना है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन किया जाता है, इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भी आता है, भगवान परशुराम सागर परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है, या कौन सी जिले में स्थित है, या कई बार रेणुका जी के नाम से पूछा तो आप समझ जाओगे सिरमौर में है, बट कई बार पूछा था भगवान परशुराम सागर जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, नदी का नाम आएगा यमुना, जिले का नाम आएगा सिरमौर, इसकी जो कैपेसिटी आएगी कैपेसिटी इसकी 40 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी है। अगली हमारी यमुना जल विद्युत योजना सिरमौर जिला में स्थित है, यमुना नदी के ऊपर है, 131.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, अगर आता हमारा धौला सिद्ध परियोजना है हमारी, हमीरपुर जिला में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर है, और 66 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 66 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो ये थी जो कुछ जो हमने जो टोटल जो अभी मध्य प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजना है, टोटल जो है मध्य प्रदेश में 44 या इसके प्लस परियोजना है, बाकी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बट इनके जितनी ये है प्रमुख परियोजना है। अब हम बारी बारी जो है तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ परियोजना के बारे में जो फेमस है जिनसे कॉफी बन सकता है। सबसे पहले आती है हमारे संजय विद्युत परियोजना या भाभा परियोजना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, यह परियोजना किन्नौर जिला में हुरी गाँव खंड पर कार्यान्वित की गई है। इसकी 3 इकाइयां हैं, प्रत्येक में जो है 40 मेगावाट, कुल 120 मेगावाट बिजली बनाती है। इस पर जो है 125.22 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना में भाभा खंड के पानी को 5.7 किलोमीटर लंबी 2.5 मीटर ब्यास वाली सुरंग से ले जाकर 4.5 मीटर ब्यास वाली शॉर्ट शाफ्ट में डालकर 1410 मीटर लंबी लोहे की शाफ्ट से बनी है। इसकी जो है 1.5 मीटर ब्यास की 3 शाखाओं में ले जाकर भूमिगत पावर हाउस में डाला गया है। यह परियोजना योजना पूर्ण हो चुकी है। भाभा के बारे में इसकी आप सिंपल से आपको बात याद रखनी, कौन से जिले में स्थित है, किन्नौर में स्थित है, अगर जगह का नाम आया तो होली गांव में है, और नदी का नाम मैंने आपको बता दिया है किस नदी के ऊपर है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है हमारी, 120 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है,
अगला है हमारे पास जो अगली योजना है उसका नाम है साधन। साधन के बारे में आपको बता दिया कि इसमें से जो इसकी जरूरत है कि क्षमता है 110 मेगावाट, पंजाब राज्य भी उसके अंडर अंदर है, मैंने आपको बता दिया। मंडी जिले के नगर में स्थित है, मैंने बता दिया। हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत योजना है जो 1932 में ब्यास की सहायक मंत्री नदी पर बनी थी, जिसे ऊंट खड़ी कहते हैं। अगर ऑप्शन के बारे में बनता है कि कई बार ऑप्शन में दिया जाता है कि जो हमारे सामान जल विद्युत योजना है वो ब्यास की कौन सी सहायक नदी के ऊपर है, कई बार ऊर की जगह जो है रीना का नाम दिया जाता है, रीना का आंसर आएगा। और बनी कब थी, ये बनी थी 1932 ईस्वी में। दो ऑप्शन इसमें बनते हैं, एक इसके फंड के बारे में कब बनी थी, तो 1932 में ये जो है बनाई गई थी इसमें, ठीक है। अगली हमारे पास गिरी नगर जल विद्युत योजना के बारे में करेंगे। सिरमौर जिला की गिरी नदी पर स्थित है गिरी नगर हाइड्रल परियोजना की संस्था जो स्थापित क्षमता जो है 60 मेगावाट है, जिसमें 30 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अंतर्गत आती है और 29 वर्षों से चालू है। इसको बने हुए अभी टोटल जो है 29+ जो है ईयर हो चुके हैं। और हिमाचल जो एचपी जल जो जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश जो जल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परियोजना बोर्ड है उसके अंडर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंडर है ये। अगला है इसमें जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हम अभी वही डिस्कस कर रहे हैं। अगली हमारे पास आंध्रा हाइड्रो परियोजना, ठीक है, मैंने बता दिया है आपको। शिमला जिला में स्थित है, रोड उपमंडल में स्थित है, गांव अब जो उपमंडल की चढ़ गांव में स्थित है। गांव का नाम पूछा है शिमला जिला के जो आंध्रा हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है हमारा शिमला जिला के किस गाँव में है, तो गाँव का नाम आएगा चढ़ गाँव में स्थित है। और इसमें क्या है, इस परियोजना के जो अंतर्गत है 5.65 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। परियोजना की कुल विद्युत क्षमता मैंने आपको बता दिया 16.95 जो है मेगावाट है। इसमें कॉफने दो दो नए कॉफने बनते हैं इसके इस बारे में कि किस कौन से गांव में स्थित है, ये कहता है या उपमंडल के बाद में कुछ रोड उपमंडल में जिला आएगा इसका ये, ठीक है। क्षमता इसकी पूछ जाती है 16.95 इसकी मेगावाट क्षमता है। अगली हमारा रॉन्ग टॉन्ग, ये जो हमारे रोंग टोंग है एक 2 मेगावाट की परियोजना है जो दौर स्थिति जिले में है। रोंग टोंग नाला पर स्थित है, ठीक है, जो स्पीति नदी की एक सहायक नदी है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है परियोजना। इस क्षेत्र के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चलाई गई पहली पन बिजली परियोजना थी। अब सॉरी यह दिसंबर 1986 में चालू हो गई थी। इसका कभी पूछ लेते हैं कि जो लॉन्ग टर्म जो जल विद्युत योजना है कब चालू हुई थी, तो ये आएगा 1986 में चालू हो गई थी, ठीक है। यह दुनिया दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। कोई कॉफने भी आता है कि हिमाचल प्रदेश में दुनिया की कौन सी ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी परियोजना है, तो यह लॉन्ग टर्म, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है हाइड्रो योजना के बारे में, ठीक है। यह परियोजना कांगड़ा जिला में के बैद्यनाथ में स्थित है, इसका मैंने आपको बता दिया है। समीप है उत्तराला के उत्तराला गांव में स्थित है, ठीक है। इसमें 3 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जो कुल 6 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। इस पर जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 12.32 करोड़ का, इसमें खर्चा हुआ है। यह परियोजना पालमपुर से 25 किलोमीटर तथा बैजनाथ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी समुद्र ऊंचाई 15 मीटर है, मतलब 1515 मीटर है। इतना इसके बारे में नहीं पूछा था, इतना पूछ सकते हैं कि कौन सी जिले स्थित है, क्या इसकी क्षमता है, ठीक है। अगली जो हमारे पास योजना है वह गति परियोजना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कांगड़ा जिला में स्थित है। कांगड़ा जिला में शाहपुर के नजदीक गति और लियोन खड्डों के पानी से तैयार की गई है। कॉफने भी बनता है इसमें कि ये जो परियोजना है कांगड़ा जिला में कहाँ पे स्थित है, तो आएगा शाहपुर के नजदीक स्थित है और दो खड़गज और लियोन खड्डों के पानी से तैयार की गई है। इसकी क्षमता मैंने आपको बता दिया 10.5 मेगावाट बिजली की क्षमता है। गली खड़ के किनारे बिठरी गांव के पास पावर हाउस बना हुआ है, जो बिठरी गांव में जो है इसका पावर हाउस बना हुआ है, ठीक है। अगला है बनेर के बारे में, जो बनेर है हमारी बनेर और नेगल परियोजना को बताता है। यह परियोजना धर्मशाला से 25 किलोमीटर दूर बनेर और नेगल नदियों पर स्थित है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता जो 12.5 मेगावाट है। इस पर टोटल खर्चा हुआ है 40.54 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये दोनों परियोजना योजना जो मई जून 1995 में चालू हो गई थी। 1995 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, कि मैं तुमको ऑप्शन पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में चालू हुई थी, तो 1995 में स्टार्ट हुई थी। मंथ की बात आए तो मई या जून में, मई टू जून में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अगला है थिरोट, जो हमारी थ्रॉट जल विद्युत योजना है। यह योजना बहुत तेजी से स्थित है, मैंने आपको बता दिया। थ्रॉट नाले के ऊपर बनी हुई है। इसकी समुद्र से जो ऊंचाई है वो है आपकी 2970 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें जो है टोटल कैपेसिटी है 4.5 मेगावाट की। सिंपल आपको याद रखना है कि थ्रॉट जल विद्युत योजना कहाँ पे है आपकी, ये जो हमारी है लॉस्ट जिले में स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.5 मेगावाट की कैपेसिटी की बिजली जो है उत्पन्न करती है।
इस तरह लालजी है, हमारा लालजी के बारे में पूछा मैंने आपको, मैक्सिमम जो डिटेल है वो सारी बता दी गई है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे 2007 ईस्वी में, 2007 जो है इसमें इसमें इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये परियोजना जो है आपकी कुल्लू जिला में स्थित है, ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी टोटल कैपेसिटी है 126 मेगावाट, ठीक है। और इस पर टोटल खर्चा हुआ है वो है 45.3 करोड़ के लगभग इसके ऊपर खर्चा हुआ है। और ये बंदरगाह तैयार हुई थी 2007 में, जो है ये परियोजना पूरी हो गई थी, ठीक है। इसमें अपने ये बनता है कि लालजी जो हाइड्रो परियोजना है वो कब बनकर तैयार हुई थी, कौन से फन में तैयार हुई थी, ईयर में तैयार हुई थी, 2007 में तैयार हुई थी। और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो आपकी 126 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अगर ये बात कोल्ड डैम, कोल डैम जो हमारी परियोजना है, यह परियोजना फतलू नदी पर डहर से 6 किलोमीटर ऊपर कोल नामक स्थान पर 153 मीटर ऊंचाई पर ऊंचा रॉकफेलर डैम बनाकर कार्यान्वित, रॉकफेलर डैम बनाकर जो है कार्यान्वित की जा रही है। वो भी बन चुकी है, अभी तैयार है, वर्किंग में है, इसका काम चला हुआ है। और इस परियोजना में जो है उसे जो 800 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। और इस पर जो है लगभग जो है 5,360 करोड़ रुपए के ऊपर खर्चा हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो NTPC के अंदर है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका NTPC के अंदर ये प्रोजेक्ट है, बनकर तैयार हो चुका है अभी ये, ठीक है। अगर नाथपा झाकड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फतलू नदी के ऊपर बनी हुई है नाथपा झाकड़ी बांध है, ठीक है, जो प्रमुख जो है लगभग जो है 1500 मेगावाट बिजली पैदा करती है। यह प्रदेश की अभी तक सबसे बड़ी किन परियोजना है, परियोजना वित्त बैंक द्वारा वित्त घोषित है। इसकी जो निर्माण लागत है वो 6,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसके बारे में आपने आता है कि सब ये है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है इसकी और कौन सी नदी के ऊपर है, सबसे बड़ी जो है बिन जो परियोजना है, ठीक है। कड़छम बांगतू जो परियोजना है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। इस परियोजना में जो है कड़छम के पास सतलुज के पानी को मोड़कर जो है 15.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से जाकर जो है 280 मीटर शीर्ष से बांगतू किन्नौर के पास पान हाउस में गिराकर जो है 1,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इस परियोजना पर जो है लगभग जो है खर्चा जो है इसका 6,314 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, ठीक है। धानबी के बारे में, धानबी जो है हमारी ये जो है यह परियोजना जो है जूरी के पास सतलुज नदी से मिलने वाली घांती खड़ के पानी से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें जो 22.5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और इस पर जो है अभी तक जो है टोटल 95 करोड़ रुपए जो है व्यय हो चुका है, ठीक है। बसपा के बारे में आपको बता दिया है, ये जो परियोजना है आपकी ये भी जो इसके मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यह परियोजना जो है फतलूज की सहायक मंत्री बसपा के पानी से 2 चरणों में क्या की गई है। इसमें टोटल जो कैपेसिटी 300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी इससे, ठीक है। अगला है धमबाड़ी, धमबाड़ी फुंडा परियोजना, धमबाड़ी फुंडा परियोजना, ठीक है। यह शिमला जिला के में पंबर नदी के पानी से क्रियान्वित की जाएगी। इसमें जो है टोटल 70 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और इस पर जो है 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, ठीक है। अगला है चमेरा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चमेरा के बारे में मैंने आपको दोनों चमेरा एक चमेरा दो के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। और चंबा जिला में स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है चमेरा एक की जो है आपकी 540 मेगावाट है, चमेरा दो की जो आपकी 300 मेगावाट है, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी अब हमारे पास है पार्वती हाइड्रो के बारे में, ठीक है। यह परियोजना कुल्लू की पार्वती नदी के पानी से क्रियान्वित होगी। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। इसमें 2,051 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। पहले चरण में 750 मेगावाट, दूसरे चरण में 800, तीसरे में 501 मेगावाट की बिजली तैयार की जाएगी। जब ये बनके पूरी तैयार हो जाएगा तब जो है सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी। वैसे अभी तक जो है वो आपके नाथ पदाकड़ी ही है, ठीक है। अगला है रामपुर में उधर 412 मेगावाट की परियोजना सतलुज जल निगम द्वारा सतलुज सिमला के समीप जो है बनाई जा रही है, ठीक है। ओवल हाइड्रो परियोजना है हमारी, यह परियोजना मंडी जिला के जुंदनगर के समीप बन रही है। पहले चरण की और ये जो परियोजना है ना अभी मतलब इसके ऊपर मतलब बड़ा विवाद हुआ है, हार्डली जो है इस परियोजना के ऊपर बड़ा विवाद हुआ है, क्योंकि ये परियोजना थी बन के तैयार नहीं थी। पर अब क्या किया गया है, इसको बोला गया है कि 2025 से पहले पहले जो है मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। अब बन के तैयार नहीं थी, बट क्या है इसमें कुछ अड़चन चली हुई है जिसके कारण का काम रुका हुआ है। बट क्या है कि अब जब से नई गड़बड़ बाढ़ बनी है, उन्होंने प्रयास किया है कि ये परियोजना जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। यह परियोजना मंडी जिला के जुंदनगर के समीप बन रही है। पहले चरण की ओल परियोजना एक सानन और बस्ती परियोजना के बाद ओल परियोजना का चरण 3 का कार्य पूरा होने के बाद नेरी खंड में पानी का भी ओल चरण 4 परियोजना में इस्तेमाल कर इसे बस्ती पावर हाउस के जल के साथ मिलाकर 1,250 मीटर लंबी सुरंग बनाकर प्रयोग में लाया जाएगा। ओल तीसरे चरण का कार्य निजी क्षेत्र महफल
बलापुर उद्योग को दिया गया है। इस योजना द्वारा 112 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। ठीक है, बनाना के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपकी इसमें एक चीज है कि कब बनके तैयार हुई थी। ये जो मतलब ये तो तुम्हारा गाँव लाना में स्थित है, कुल्लू जिला में स्थित है, और जो उसको कंपनी बना रही है जिसने बनाया है उसका नाम है मैफल राजस्थान स्पिनिंग एंड बीलिंग मिल ने पूरा किया है। और कब पूरा किया है, 1998 में इसको बना के पूरा किया है, और इसकी जो आरम्भ हुआ था 1998 में इसका आरम्भ हुआ था। ठीक है, और कुल इसकी लागत थी 332.71 करोड़ रुपए। यह परियोजना कुल्लू जिला के मलाना नामक गांव में जल विद्युत उत्पादन कर रही है। इस जल विद्युत परियोजना का कार्य निर्धारित समय अवधि से 3 वर्ष से भी कम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया था। ठीक है, मलाना परियोजना के उत्पादित विद्युत का संचार राष्ट्रीय ग्रिड 5 जुलाई 2001 से आरंभ हो चुका है। इसका जो काम, इसका जो मतलब परियोजना का जो पूरा जो मतलब बिजली पैदा करने का जो आरंभ हुआ था, बन के तैयार हुई 2001 में, बन के तैयार हो गई थी, शुरू हुई थी 1998 में और कंप्लीट हो गई थी 2001 में। 2001 से मतलब सुचारू रूप से काम कर रही है अपनी। ठीक है, तो ये थी जो कुछ जल विद्युत योजना थी जो हमने डिस्कस की है। बाकी अगर इनके किसी के रिगार्डिंग कोई भी डॉट है तो उनसे पूछ सकता है, मैं सबको इन्वाइट कर रहा हूँ।